नई सुबह के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। नई सुबह इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल के साथ मैं हूं तलहा इनाम। आज हम बनाना सीखेंगे टिक्का बिरयानी। टिक्का बिरयानी बनाने के लिए जिन अज्जा की हमें ज़रूरत है वो ये हैं: दही 1 से 2 कप, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1.5 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1.5 टीस्पून, नमक हसबे जायका, जर्दी का रंग 1 चुटकी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, तंदूरी मसाला 1 टेबल स्पून, हरी मिर्च पेस्ट 1.5 टीस्पून, अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून, लेमन जूस 2 टेबल स्पून, सरसों का तेल 2 टेबल स्पून, चिकन टिक्का पीसेस 750 ग्राम, कुकिंग ऑयल 1 से 1.5 कप, बादियान का फूल 1 अदद, दालचीनी 1 अदद, लौंग 2 अदद, हरी इलायची 3 अदद, तेज़पत्ता 1 अदद, साबुत काली मिर्च 2 अदद, प्याज 2 दरमियाने साइज़ की, टमाटर 2 दरमियाने साइज़ के, पानी 1 से 1.5 कप, चॉप किया हुआ धनिया पुदीना 2 टेबल स्पून, आलू बुखारा 7 अदद, हरी मिर्च 7 अदद, फ्राइड प्याज 2 टेबल स्पून, सैला चावल 500 ग्राम। तरकीब: एक बाउल लें, उसमें दही, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, जर्दे का रंग, तंदूरी मसाला, हरी मिर्च पेस्ट, अदरक लहसुन पेस्ट, लेमन जूस और सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद चिकन पीसेस पर कट लगा लें और मैरिनेशन में डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद उसे ढककर 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख दें। उसके बाद एक कढ़ाही लें, उसमें ऑयल और मैरिनेटेड चिकन और बचा हुआ मैरिनेट करने का मसाला डालकर दरमियानी आंच पर 8 से 10 मिनट के लिए पका लें। फिर उसे ढककर 6 से 8 मिनट के लिए और पका लें। फिर उसके बाद 4 से 5 मिनट के लिए तेज आंच पर पका लें। फिर उसके बाद बकिया धनिया पुदीना उसमें डाल दें। फिर चिकन पीसेस को पलट लें और दोबारा 4 से 5 मिनट तक पका लें। फिर उसके बाद बकिया धनिया पुदीना डालकर उसे ढक दें और हल्की आंच पर कुछ मिनट के लिए दम पर रख दें। उसके बाद 2 मिनट के लिए कोयले का दम दें और फिर उसे साइड पर रख दें। उसके बाद एक पॉट में कुकिंग ऑयल, बादियान का फूल, दालचीनी, लौंग, हरी इलायची, इलायची, तेज़पत्ता और साबुत काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर उसमें प्याज डालें और अच्छी तरह मिक्स करें और गोल्डन होने तक अच्छी तरह फ्राई करें। फिर उसमें टमाटर डालें, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक, तंदूरी मसाला, लेमन जूस और पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर उसे ढककर हल्की आंच पर 5 से 6 मिनट के लिए पका लें। उसके बाद हल्की आंच पर दही, हरा धनिया, पुदीना डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर उसमें आलू बुखारा और हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और आधी ग्रेवी लेयरिंग के लिए अलग कर लें। बची हुई ग्रेवी में फ्राइड प्याज, हरा धनिया, पुदीना, आधे उबले हुए चावल, बची हुई ग्रेवी और बचे हुए चावल डाल दें। फिर जर्दे के रंग में पानी और केवड़ा वाटर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर फ्राइड प्याज और चिकन टिक्का पीसेस डालकर ढक दें और हल्की आंच पर 18 से 20 मिनट के लिए दम पर रख दें। स्मोकी चिकन टिक्का बिरयानी तैयार है। स्मोकी चिकन टिक्का बिरयानी को सलाद और रायते के साथ सर्व करें। ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगली किसी रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।